ओम नमः शिवाय। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा जी के लिए। सज्जन सिंह वर्मा जी, हाल ही में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि किसान आक्रोश प्रदर्शन के दौरान जो आक्रोश दिखा वो सत्ता छीनने की वजह से था। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि वो आक्रोश सत्ता छीनने की वजह से नहीं था, वो आक्रोश उस किसान भाई की पीड़ा देखकर उठा था जिसे आपकी सरकार ने एक रुपया भी मुआवजा नहीं दिया। सब जानते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई और सारी फसलें खराब हो गई, मगर आपने आज तक एक रुपया भी किसान को मुआवजा नहीं दिया। हमारा आक्रोश उस पीड़ा को देखकर था, हमारा आक्रोश उस माता बहन की पीड़ा को देखकर था जिसके घरों पर 8-8, 10-10 हजार, 40-40 हजार, लाख-लाख तक के बिल आपकी सरकार में आ रहे हैं और वसूली के नाम पर उसे उसके घर का कनेक्शन काटकर उसे अपमानित किया जा रहा है। वो आक्रोश उस माता बहन के लिए था, वो आक्रोश उस ठेकेदार के लिए था जिसे 8-8 महीने से आपकी सरकार में पेमेंट नहीं किया जा रहा है। आज दिवाली पर भी उसे आपने पेमेंट नहीं किया। उसके वहां पर काम कर रही मजदूर जो रहते हैं उनकी दिवाली सुनी हो गई, वो बेचारे दिवाली नहीं मना पाए आपकी सरकार की वजह से। आप अपने आप को इंदौर के नेता कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके सरकार में सभी ठेकेदारों ने बैठक की और तय किया कि अब वो इंदौर में काम नहीं करेंगे। इंदौर का सारा विकास आपकी सरकार के रहते ठप हो चुका है और आप कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे आप तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। ध्यान रहे, जब कैलाश विजयवर्गीय जी पहली बार महापौर बने थे तब नगर निगम के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। अपनी सूझबूझ के साथ उन्होंने काम करके पूरे इंदौर में सड़कों का जाल बिछाया। एक एक सड़क, चाहे वो गली की हो या मेन रोड्स हो, उन्होंने अपने महापौर रहते बनाई। आज भी जो इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो बुनियादी ढांचा है वो कैलाश विजयवर्गीय जी के समय में रखा गया था। आईटी मिनिस्टर रहते हुए टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनियों को वो इंदौर में लेकर आए जहां पर आज हजारों बच्चे नौकरी करते हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब, वो एमपीआरडीसी का गठन उन्होंने किया पूरे प्रदेश में जिसके माध्यम से सड़कों का जाल बिछा। अरे आपकी क्या हैसियत है ये आप स्वयं भी जानते हैं, तभी तो आप इंदौर से चुनाव नहीं लड़ते, तभी तो आप सोनकच भाग जाते हैं। अरे मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ कि आप असली मर्द हैं तो आप इंदौर में पले बढ़े, आपका घर इंदौर में, आप इंदौर में रहते हैं, आइए और इंदौर से चुनाव लड़के बताइए। आपको पता चल जाएगा कि शेर कौन है और गीदड़ कौन है। ध्यान रहे, आपका पूरा खानदान लग गया था मुझे चुनाव हराने में, उसके बावजूद मैं चुनाव जीत के आया। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आप इंदौर में आकर तो दिखाएं, आपको अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। सज्जन सिंह वर्मा जी, राजनीति सिर्फ भद्दी भद्दी बातें करने से नहीं होती, राजनीति सिर्फ गरीबों के मकानों पर कब्जा करने से नहीं होती, राजनीति सेवा करने से होती है। जब आप सेवा करेंगे, गरीबों की पीड़ा को समझेंगे, तब आप समझेंगे कि वो आक्रोश कहाँ से आया था। ध्यान रहे सज्जन सिंह वर्मा जी।